मौज पा सकता है इंसान अदादारी से, बस्त हो जाता है शैतान अदादारी से, दुश्मने भी है परेशान अदादारी से, लब पे शाया तो ये सीनों में निहा रहता है, ये वो दरिया है जो हर वक्त रवा रहता है, बात हमेशा है सोतों को लगाने के लिए, एक सनद ये भी है फिर दौस न जाने के लिए, एक पैगाम है ये सारे जमाने के लिए, सिर्फ होता नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ मातम नहीं एक हब्ल की मीजान है ये, यानी शब्बीर तेरी फतह का ऐलान है ये। तो कौन जीता है बताते हैं मुहर्रम के जुलूस, सारी दुनिया में रवा है तेरे मातम के जुलूस, गाजिया और मुअब्बास के परचम के जुलूस, कह रहे हार गए जीत गए हम के जुलूस, कह रहे हार गए जीत गए हम के जुलूस, सबके झंडों के लिए हम नहीं उठा करते, हारने वालों के परचम नहीं उठा करते, तो खुद को हारने वालों के परचम नहीं उठा करते, खुद क्या है मजे मुख्तार ने मातम तेरा, सारी दुनिया में उठा करता है परचम तेरा, अंबिया और फरिश्तों में हुआ गम तेरा, जिक्र हो ही नहीं सकता है कभी गम तेरा, ना झुका है तेरा परचम न झुकेगा शब्बीर, और का बयामत तेरा मातम न उठेगा शब्बीर, जो सौदा है बहुत तू है शहीदे आजम, दार देती है तुझे बूढ़े जना बे आदम, खून बरसा के किया तेरा खुदा ने मातम, तेरे मातम नहीं आते हुई अफलाक की नम, तेरा मातम है जो अशकों को रवानी बख्शे और इस कौम के बूढ़ों को जवानी बख्शे, तो तेरे मातम ने जमाने जुड़वाया शब्बीर, और मातम ने हमें जीना सिखाया शब्बीर, अंबिया ने जहां दामन को बचाया शब्बीर, नाम तौहीद का वर्द ने बचाया शब्बीर, सबकी खत्म रसूलों की जहां बात हुई, उस जगह से नई मंजिल की शुरुआत हुई, तो कट गया हल्क मगर पूंजना हिम्मत हारी, तेरे होठों पर रहा सिद्ध खुदा का जारी, है तेरे हाथ में फुल नबियों की मेहनत सारी, अब तेरे जिक्र की तालीम की है जिम्मेदारी, जो के बस घूरनी किया है तो ये बात आई है, इस तेरे जिक्र की तालीम ने कसम खाई है, तो पूरे तारीख में ऐसा कोई सज्जा न हुआ, यानी खुद जुल्म के खंजर को गला ढूंढता था, तेज जलती रही सजदे में तू मशहूर रहा, पूछ रहे सब है मकबूत है इस्लाम तेरा, सात साल के तेरा नाम लिया जाएगा, अश्र तक भी तेरा बदला न चुका पाएगा, तो कोई ला सकता नहीं तेरी इबादत का जवाब, अश्र तक अश्र में चेहरा था जैसे सहर का उतला, इत्मीनान ऐसा के हो सब्र की खामोश किताब, मुतमईन नफ्स का खालिद ने दिया तुझको किताब, लहजा भर भी तुझे हमने न परेशान देखा, तेरे सीने में तड़का हुआ यदा देखा, तो तेरी धड़कन थी के इस्लाम की धड़कन शब्बीर, सजदे हक में चली तेरे गले पर शमशीर, फिर भी हर जर्ब में आती थी सदाए तकबीर, तू ही वो अब्द है आलम में नहीं जिसकी नजीर, तू देखी खालिद अब्रार की ताकत ऐसी, वाजियों हाल में देखी ना इबादत ऐसी, तो तेरी तारीफ के काबिल कहां मेरे अल्फाज, शिद्दते प्यास से लब खुशते लर्जा आवाज, रूह को तीरों के मुसल्ले पे वो फाते नमाज, कश्तिये नूह कहां और कहां तेरा जहाज, अंबिया में न मिला हमको सलीका ऐसा, तूने ढूंढा था इबादत का तरीका ऐसा, वो इख्तियार ऐसा शहादत का के शाहिद है खुदा, यानी खुद जुल्म के खंजर को गला ढूंढ करता, अंबिया बोले के शब्बीर तेरा क्या कहना, लिखने वालों ने उस वक्त का मंजर लिखा,
वक्त जितना भी शहादत का करीब आता था इत्मीनान और भी उतना ही बढ़ा जाता था। तो हुसैन इतने अली तू है सकीना ए निजात, तेरे उस छोटे से लश्कर की निगाह ली की बात, आखिरे वक्त जो था उसको दिखा दी औकात, वर्ष पर जात तेरी अर्श पे अल्लाह की जात, वर्ष पर जात तेरी अर्श पे अल्लाह की जात, वर्ष पर जात तेरी अर्श पे अल्लाह की जात, बस के नियत हुसैन और दी पना अस्त हुसैन, यानी हमजा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, यानी हमजा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो ये तेरी जीत का अंदाज निराला देखा, तेरा सर कट के भी मेरे पर था नीचा ना हुआ, राह भर घूम कर चुप और तेरा सर बोलता था, गैर मजहब के मवारिस को भी ये लिखना पड़ा, क्या के तू वो रहबर है कि जो दीन पर कुर्बान हुआ, कत्ल के बाद तेरी जीत का ऐलान हुआ, कत्ल के बाद तेरी जीत का ऐलान हुआ। तो पहले इस वास्ते तामीर हुआ है काबा, जो के तामीर को होगा कभी का गोबरा, लाजमी होता है तमीर का पहले आना, जिस तरह बनता है तस्वीर का पहले चेहरा, अंबिया जैसे है महबूब खुदा से पहले, इस तरह काम बना कर वो बना से पहले। तो कष्ट ये नूह वो या के हो तामीर हलीम, ये है तमहीद सभी कर वो बना है तकमीर, सबका मकसद है वही एक ही सबकी है सभी, जैसे कुरान से पहले है जबूर इंजील, जैसे कुरान है जमा नुस्खे में सब कुछ, जो सिमट आया है कर्बला में सब कुछ। तो कुर्सा रहकर कोई दुनिया में ना आया शब्बीर, सबसे बाला तेरी शौकत का है पाया शब्बीर, जोन को तू ने गले से जो लगाया शब्बीर, रंग का फर्क तसव्वुर से मिटाया शब्बीर, ऐसा जूस कर्बला जिंदगी जावेद नहीं, वो तेरा घर है के मजहब की जहां कैद नहीं, मजहब की जहां कैद नहीं। तो चाहे कितनी भी बड़ी फौज का अफसर आए, चाहे कितनी भी बड़ी फौज का अफसर आए, चाहे कितना भी बड़ा कोई सिकंदर आए, चाहे जिब्रील भी खुद पर के अदा पर आए, हर पे वाजिब है के निबड़ाए हुए सर आए, आम मजमा हो जहां वो भी वहीं पर बैठे, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे, आत्मा भी अगर आए तो जमीन पर बैठे, नारे सलवा। तेरा मातम है हमें जिसने जिला रखा है, जिसने खून के धब्बे से बचा रखा है, गर न ये गम हो तो इस फॉर्म में क्या रखा है, अपने दामान में क्या इसके सिवा रखा है, बाब अयार का पूरा कोई करने न दिया, इस अदादारी ने शरीयत को बिखरने न दिया, वरना मुंतशिर हो के बिखर जाता इदारा, वरना और फिरकों की तरह हमने भी झगड़ा होता, कहके मातम के तसल्लुक से पर ऐसा न हुआ, मुंतहिद है तो ये सत्ता है अदादारी का, और पाया है शब्बीर की गमदारी से, मजलिस है हमसे नहीं हमने अदादारी से, मजलिस है हमसे नहीं हमें अदादारी से। तो इस पूरा शोक जमाने में महफूज, अगर इसका मतलब है कि कोई है हमारा रहबर, देखता रहता है पर्दे से कोई नेक शेयर, वरना मानिंदे ही ना पिस गए होते बेकर, अब न ये कहना खुदा चीज के दम जिंदा है, ये अदादारी का सत्ता है कि हम जिंदा है, ये अदादारी का सत्ता है कि हम जिंदा है, तो हम नहीं थे ये मगर फिर भी अदादारी थी, हम ना होंगे ये मगर मजलिस से फिर भी होंगी, कद फहम दो नजर ये न समझ ले कोई, मैं कराऊंगा तो शब्बीर की मजलिस होगी, नौकरी से तुम्हें लम्हों में हटा देगा खुदा, और काफिर को अदादार बना देगा खुदा। तो उसने ये काम लिया, ये है खुदा का एहसान,
ही रहमत से बने आशिक सुल्तान जमा, वरना ये जिक्र कहाँ हमसे गुनहगार कहाँ, जो भी भेजा करो हर हाल में शुक्रिया, उसके दिल कोई भी कश्ती नहीं छे सकता है, यानी ये काम किसी से भी वो ले सकता है। तो मजलिसे करके नमोदा का जताओ ऐसा, खुद खुदा करता है मजलिस का फरा हम कहा, वरना हम लोगों की मजलिस की है औकात कहाँ, हम कहाँ और कहाँ हजरत शब्बीर की माँ, और शेर मजलिस पे वो मकबल भी नहीं चाहती है, और टाट का फर्श बिछा दो तो चली जाती है, टाट का फर्श बिछा दो तो चली जाती है, क्योंकि मजलिस को कराना तो नहीं कोई कमाल, बात तो जब है कि मौला तुम्हें सब अखबार, जैसे मौला ने बताए हैं वही हो कमाल, वरना बेकार है मजलिस में रुकाना दरुआ, किसमें कितनी है अकीदत की सकत देखती है, वो दबर रुक नहीं बंदों की नियत देखती है, वो दबर रुक नहीं बंदों की नियत देखती है, तो जिससे पानी का होगा नाम वो मजलिस कैसी, जिसका जहराना नहीं नाम वो मजलिस कैसी, जिसमें कोई ना हो पैगा वो मजलिस कैसी, ओम को करते जो बदनाम वो मजलिस कैसी, कम से कम चाहिए जाकिर को के इतना कर ले, वो है मजलिस के जो गैरों को भी अपना कर ले, वो है मजलिस के जो गैरों को भी अपना कर ले, वो है मजलिस के जो गैरों को भी अपना कर ले, तो मजलिस सुन के बदल डाल है तुमको कितना, वादे अय्याम अदा जायदा ले लो खुद का, हमने शब्बीर की मजलिस से लेकर कुछ न लिया तो दो महीने की अदादारी का फिर फायदा क्या, दो महीने की अदादारी का फिर फायदा क्या, ओए मजलिस का सर दम के पैमानों तक बात महदूद न रह जाए, अदा खानों तक बात महदूद न रह जाए, अदा खानों तक, तो ये अदादारी की अब शक्ल बनाती कैसी, हाथ मातम के लिए सीने पे और लब पे हंसी, तुम कहाँ जाओगे अगर फातिमा नाराज हुई, क्या बताओगे जो हसनैन की माँ पूछेगी, अंबिया उसके मसाइल पर हुआ करते थे और तुम मेरे लाल के मातम में हंसा करते थे, तो आप मुहर्रम में लिए जाते हैं मलबूस नए, रंग भी होते हैं उन कपड़ों के महसूस नए, ये तरीके भी हमें होते हैं महसूस नए, और अल्लाह खानों में लगते नहीं फानूस नए, ये सवाल आम से है, ये कोई खासों से नहीं, अपनी पहचान है मातम से लिबासों से नहीं, अपनी पहचान है मातम से लिबासों से नहीं, अपनी पहचान है मातम से लिबासों से नहीं, तो क्या है वो फातिमा जहरा से भी उठने में सिवा, बैठते जो नहीं मजलिस में सरे फर्शे अदा, फातिमा फर्श पे है फर्श पे महबूब खुदा, ऐसे लोगों से है मजलिस का भला फायदा क्या, हो नहीं सकता शुमार उनका अदादारों में, बंदेतन फर्श पे है और वो गलियारों में, तो कर दिया सैयद सज्जाद ने बाला इसको, ज़ैनब कुबरा ने आगोश में पाला इसको, दे दिया आज के सकीना ने उजाला इसको, इस तरह सांचे तहजीब में ठाला इसको, का सफर जारी है, ये कोई रस्म नहीं शह की अजादारी है, तो दोस्तों इसको कभी रस्म की तरह न मनाओ, जो अजादारी का हक है वो जमाने को दिखाओ, नाम पर हजरत शब्बीर के दर खून बहाओ, वो अगर सच्चे हुसैनी तो नमाजों को बिठाओ, क्योंकि शब्बीर को मातम की जरूरत कब है उनकी
की कुर्बानी का बस एक ही को मतलब है, सब उसे सजदा करे जो के हकीकी रब है, जिसको ज़ैनब से कहा था वो नमाज शब है। शेख की इस बात में हिम्मत ये नजर आई है, अहमियत सजदा माबूद की बदलाई है। तो मसदे शाह उदा भूल न जाना यारो, सिर्फ मसद नहीं रोना के रुलाना यारो, अब ये मिंबर का है अब्बास सुनाना यारो, अब ये मिंबर का है अब्बास सुनाना यारो, इस हजादारी का दुश्मन है जमाना यारो। शेख ये मातम में सरो बाल को ढूंढने का नहीं, करबला नाम समझने का है सुनने का नहीं। यानी वाजिब से अकीदत को न हरकत, यानी वाजिब से अकीदत का तकाबुल न कराओ, शेख के मातम से नमाजों को न हरगिज टकराओ, ये सियासत की नई शक्ल है आपे को बचाओ, सब न सूर न बन जाए कहीं होश में आओ, कहीं हो ना न शिकार ऐसों की मक्काही का, नाम बदनाम न हो जाए अदाकारी का। तो ये वो गम है जिसे काफे भी मनाते हैं बहुत, करबला और जियारत को भी जाते हैं बहुत, नागे शब्बीर में शरबत भी पिलाते हैं बहुत, ताजिया और अलमा को लगाते हैं बहुत। ये अलग बात नमाजों का नहीं बात है, फिर भी मौला के मसायब का एहसास है। तो ये अदार ज़ैनब सज्जाद की मेहनत का असर, इस पे कुर्बान हुए और मोहम्मद से बिसर, माँ जाने लगी के मगर मसद पर, एक अमानत है जो ज़ैनब ने रखी है हम पर, वो तो मजलिस को मातम में सियासत न करो, यानी ज़ैनब की अमानत में खयानत न करो, यानी ज़ैनब की अमानत में खयानत न करो। तो हो न जाए कहीं मजलिस का तकद्दुस पामाल, कहीं नाराज न हो गए असदुल्लाह का लाल, हमसे उम्मीद लगाए है चढ़ेंगे हिसाब, फातिमा कहती है खोले हुए अपना रुमाल, मेरे रुमाल को अश्कों से भिगोने वालों, मैं दुआ दूंगी मेरे लाल पे रोने वालों। तो जब भी तुम मजलिस से शब्बीर में जाना साहिल, फर्शे मजलिस का सफर दूसरा बुलाना साहिल, खुद को खुद वहाँ होते हैं हसनैन के नाना साहिल, ये हकीकत है नहीं कोई फसाना साहिल, यानी मजलिस में रसूल अली बैठे हैं और जाने किस शख्स के पहलू में अली बैठे हैं। तो दोस्तों फातिमा ज़हरा ने तुम्हें है मांगा, यानी हर कौम से अफजल है तुम्हारा रुतबा, तुमको मेराज में ले जाएगा मातम कहेगा, ये दुआ मांगो के नाराज न हो ऐसा, फातिमा खुश तो चहे कर वो बना राजी है, और ये अगर राजी तो समझो तो खुदा राजी है। तो मरतबा क्या है अदाकारों का ये पहचानो, क्या है मजलिस का महासी ये हकीकत जानो, पर जो मासूम का फरमान हो उसको मानो, वो मिलो पर तुम्हारी है मानो, क्या तुम्हें सीना अकबर का भी कुछ पास नहीं, तुम पे ये फर्ज है अल्लाह की मीरास नहीं, तो कौन अकबर चाहे वही अकबर चाहे मजलूम कला, लाश बेटे की दुलारे दशहरे देश के साथ गिर पड़ी दीप या उस लाश पे टोले हुए बाद, आ गया सैयद अबरार को बालों पर गया, बोले अरमान कोई हो तो निकाल दो ज़ैनब, और इसकी मादर को भी मैयत पर बुला दो ज़ैनब। वो आई खेमे में जो ज़ैनब को ये देखे हालात, आई खेमे में जो ज़ैनब को ये देखे हालात, वो चिल्लाती है